खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं मॉर्निंग प्राइम टाइम। आइए अब आपको दिखा देते हैं स्पोर्ट्स की सभी बड़ी खबरें सिर्फ 100 सेकंड में। विश्व कप में बड़ा उलटफेर, बांग्लादेश ने पहले ही मैच में दक्षिण अफ्रीका को 21 रनों से हराया। बांग्लादेश ने बनाए 6 विकेट पर 330 रन, जवाब में दक्षिण अफ्रीका 8 विकेट पर 309 रन ही बना सका। बांग्लादेश की जीत के हीरो रहे शाकिब अल हसन, मैन ऑफ द मैच बने शाकिब ने 75 रन बनाने के अलावा एक विकेट भी लिया। बांग्लादेश के लिए मुशफिकुर रहीम ने बनाए टीम के लिए सबसे ज्यादा 78 रन, महमूदुल्लाह ने नबाद 46 और स्वामी सरकार ने 42 रन का योगदान दिया। विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका की लगातार दूसरी हार, पहले मैच में इंग्लैंड ने भी दी थी मात। जीत के साथ ही बांग्लादेश ने अपना सबसे बड़ा स्कोर 330 रनों का खड़ा किया। बांग्लादेश ने 12 साल बाद दक्षिण अफ्रीका को हराया। विश्व कप में आज इंग्लैंड और पाकिस्तान की भिड़ंत, नॉटिंघम में दोपहर 3 बजे से मुकाबला। परसों पहले मैच से पहले टीम इंडिया ने जिम में बहाया पसीना, कप्तान विराट समेत कई खिलाड़ियों ने की एक्सरसाइज, रविंद्र जडेजा की वॉकिंग की तस्वीर सामने आई। दक्षिण अफ्रीका के डेल स्टेन के बाद हाशिम अमला भी चोटिल, टीम मैनेजमेंट ने परसों भारत के साथ मैच तक फिट होने की उम्मीद जताई। 37 साल के रॉजर फेडरर फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे, अर्जेंटीना के लियोनार्डो मायर को हराया। राफेल नडाल फ्रेंच ओपन टेनिस के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे, दूसरे नंबर के खिलाड़ी नडाल ने अर्जेंटीना के युआन इग्लेसियो को हराया।